उत्तराखंड टनल हादसे में फंसे एक कालिक श्रमिक की जिंदगी दांव पर लगी है। 9 दिनों से उत्तरकाशी के सिलक्यारा गांव के टनल में रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। अंधेरे में घुट रहे श्रमिकों का धैर्य भी धीरे धीरे टूटता जा रहा है। सांत्वना और मनोबल बढ़ाने वाली बातें अब सुहा नहीं रही, उनकी आवाज भी कमजोर पड़ने लगी है। अब वह सवाल पूछने लगे हैं कि आखिरकार हमें कब बाहर निकाला जाएगा, हमें बचाने के लिए कुछ हो भी रहा है या सिर्फ बातें बना रहे हो। उन्हें बाहर निकालने की डेडलाइन दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। दिवाली के दिन फंसे थे तब बयान आया था कि 72 घंटे में बाहर निकाल लिया जाएगा। 9वें दिन रेस्क्यू टीम का बयान आया कि मजदूरों तक पहुंचने के लिए 6 विकल्पों पर काम हो रहा है, निकालने में 2 से 2.5 दिन का और भी समय लग सकता है। अब तो 200 घंटे से भी ज्यादा का वक्त बीत गया, धैर्य का टूटना लाजमी भी है। टनल के बाहर उनके घर वाले भूखे प्यासे राह ताक रहे हैं, किसी का पति फंसा है तो किसी का बेटा तो किसी का भाई। दिवाली के बाद से कितने त्योहार निकल गए मगर अपनों के बाहर निकलने की उम्मीद लगाए परिजनों ने पेट भर खाना नहीं खाया। निवाला उठाते ही दिल धक कर जाता है। टनल के अंदर 41 लोग क्या खा रहे होंगे, भूख और प्यास और शौच के लिए उनके पास क्या है। सिलक्यारा सुरंग में फंसे श्रमिकों को सुरक्षित निकालने के लिए चलाए जा रहे रेस्क्यू अभियान में सहयोग करने के लिए भारत सरकार के आग्रह पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर के टनल विशेषज्ञ अर्नोल्ड डिक्स भी सिलक्यारा पहुंचे हुए हैं। अर्नोल्ड डिक्स इंटरनेशनल टनलिंग एंड अंडरग्राउंड स्पेस एसोसिएशन IETA के अध्यक्ष भी है। उत्तराखंड सरकार के केंद्रीय संगठनों से रेस्क्यू अभियान में समन्वय के नोडल अधिकारी डॉक्टर नीरज खैरवाल, NHIDCL के MD महमूद अहमद, निदेशक अंशु मनीष खलको, जिलाधिकारी अभिषेक रोहेला ने टनल विशेषज्ञ अर्नोल्ड डिक्स के साथ विचार विमर्श कर रेस्क्यू अभियान की रणनीति पर चर्चा की। इस बीच PM मोदी ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से फोन कर उत्तरकाशी के सिलक्यारा के पास टनल में फंसे श्रमिकों को सुरक्षित निकालने के लिए राहत और बचाव कार्यों के बारे में जानकारी भी ली। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से आवश्यक बचाव उपकरण और संसाधन उपलब्ध कराए जा रहे हैं। केंद्र और राज्य की एजेंसियों के परस्पर समन्वय से श्रमिकों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया जाएगा। फंसे श्रमिकों का मनोबल बनाए रखने की जरूरत है। CM पुष्कर सिंह धामी ने अपडेट स्थिति की जानकारी देते हुए बताया कि राज्य और केंद्रीय एजेंसियां परस्पर समन्वय और तत्परता के साथ राहत और बचाव कार्य में जुटी हैं। टनल में फंसे श्रमिक सुरक्षित हैं और ऑक्सीजन, पौष्टिक भोजन और पानी उपलब्ध करवाया जा रहा है। राहत और बचाव कार्यों के लिए एक्सपर्ट की राय लेकर एजेंसियां काम कर रही हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि उन्होंने स्वयं मौके पर जाके स्थलीय निरीक्षण किया और बचाव कार्यों पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। मेडिकल की टीम भी वहां पर तैनात कर दी गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सुरंग के अंदर फंसे सभी मजदूर सुरक्षित हैं और उन्हें जल्द बाहर निकालने की पूरी कोशिश की जा रही है। अब तक प्रधानमंत्री 3 बार मुख्यमंत्री से स्थिति का जायजा ले चुके हैं। PMO की टीम भी मौके का निरीक्षण कर चुकी है और लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए है और समन्वय पर कार्य कर रही है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने रविवार को कहा कि उत्तराखंड की सिलक्यारा सुरंग में फंसे श्रमिकों को बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश हो रही है, उन्हें जल्द ही बाहर निकालना सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। हम इस वक्त में एक साथ 6 विकल्पों पर काम कर रहे हैं। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।